हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 5 है ये, ठीक है। विषय विज्ञान है, कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशीट शेड्यूल की गई है और जो डेट रहेगी वो रहेगी 21 अक्टूबर 2021। सो आज की वर्कशीट में आपको 10 MCQs क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये जो MCQs क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपकी जो प्रीवियस वर्कशीट्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं जो आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने एक पेंसिल और कलम से वृत्त को काला आपको करना है। नंबर एक दिया गया है, पुदीना और घास किसके उदाहरण हैं? तो पुदीना और घास जो है वो किसके उदाहरण रहेंगे? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ए है शाख, ऑप्शन बी है झाड़ी, ऑप्शन सी दिया गया है वृक्ष, और ऑप्शन डी दिया गया है शाख और झाड़ी दोनों। तो यहाँ पर पुदीना और घास जो है वो किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है शाख के उदाहरण है, ठीक है। किसके उदाहरण रहेंगे? शाख के उदाहरण यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, वृक्ष का डैश मोटा और कठोर होता है। तो वृक्ष का जो है ऑप्शन ए दिया गया है जड़े, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्तियां, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो वृक्ष का क्या कठोर होता है? वृक्ष का तना जो है वो मोटा और कठोर होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, झाड़ी का उदाहरण जो है वो कौन सा है? तो झाड़ी का उदाहरण आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है पालक, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी टमाटर, और ऑप्शन डी है नींबू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको झाड़ी का उदाहरण बताना है। सो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो दिया गया है आपको पालक, वो आपका शाख का उदाहरण है, आम आपका वृक्ष का उदाहरण है, टमाटर आपका शाख का उदाहरण है, और नींबू जो है वो आपका झाड़ी का उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा डी जो है नींबू। प्रश्न 4 है, तना पौधे का हिस्सा है जो मूलतः बढ़ता है। तो तना जो है वो कहाँ बढ़ता है? जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, जमीन पर, या इनमें से कोई नहीं? तो तना पौधे का हिस्सा है जो मूलतः जमीन के ऊपर बढ़ता है, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, डैश दो पर्व के बीच तने का हिस्सा है। तो यहां से आप इसको करेंगे, देखिए डैश दो पर्व के बीच तने का हिस्सा है। तो जो पेड़ होता है, ठीक है, उसके दो जो पर्व होते हैं, ये जो है क्या है? ये पर्व है, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? पर्व कहलाती है, मध्य शिरा, पर्व संधि या शिरा, ठीक है। तो दो पर्व के बीच तने का हिस्सा पर्व संधि कहलाती है। सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र जो है उनको क्या कहा जाता है? तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको कहा जाता है विभाजक, रक्षी कोशिकाएं, सी ऑप्शन है छिद्र, और डी ऑप्शन है रंध्र या स्टोमेटा। तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र जो है उनको रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, कमजोर तने वाले पौधे जो सहारे के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ते हैं उन्हें क्या, उन पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शाख कहा जाता है, ऑप्शन बी झाड़ी कहा जाता है, ऑप्शन सी विसर्पी लता कहा जाता है, या ऑप्शन डी आरोही कहा जाता है। कमजोर तने वाले पौधे जो सहारे के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं उनको डी यानी आरोही कहा जाता है। डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, हरी पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, छानना या संवहन कहा जाता है। तो जो हरी पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण जो है कहा जाता है, ठीक है, जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल नाम का हरा वर्णक होता है जिसके कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रश्न 9 है, पौधे की डैश और पानी और खनिज लवण का
मिट्टी से अवशोषण करती हैं, तो पौधे की क्या पानी और खनिज लवण को मिट्टी से अवशोषित करती हैं? ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन डी जड़े, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी है फूल। तो क्या हो जाएगा, जड़े जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जड़े। ठीक है, प्रश्न 10 है, डैश पौधे को सीधा रखता है। ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़े, ऑप्शन सी पत्तियां एंड ऑप्शन डी है फूल। तो जो तना है वो पौधे को क्या रखता है, सीधा रखता है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।